क्योंकि है तो वो बच्ची यार, एक लड़की तब तक बच्ची ही होती जब तक वो अपनी माँ बाप के अंडर में है, अपने माँ बाप के घर में है। एक लड़की जिस दिन उसकी शादी हो जाती है ना, उस दिन उसकी मेच्योरिटी एक अलग लेवल पे होती है। लेकिन जब तक एक बेटी अपने माँ बाप की छत्र छाया के अंदर होती है ना, वो एक बच्ची ही होती है। किसी की पर्सनल अपीयरेंस पे बात मत किया करो कि वो इंसान कितना मोटा है, कितना पतला है, कितना काला है, कितना गोरा है, क्या उसका कैरेक्टर है, क्योंकि हमने किसी का भी कैरेक्टर यहाँ नहीं देखा। जिसका देखा उस पर हम बात करते हैं, लेकिन जिनका हमने देखा ही नहीं उनके कैरेक्टर पे हम लोग क्यों उंगली उठा रहे हैं? सब चीजों की सजा किसी एक बंदे को क्यों मिल रही है? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द रिएक्शन वीडियो, और मैं हूँ ज्योति। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने चैनल में। सो अगर आप चैनल में न्यू है तो मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। टॉपिक पे मैं आज बात करने वाली हूँ, मैं लिटरली इस पे कल बात करने वाली थी, लेकिन क्योंकि ललिता आंटी की साइड से कोई भी वीडियो नहीं आई थी रिगार्डिंग दिस जो मैं आज बात करने वाली हूँ, सो मैंने भी कल कोई रिएक्शन नहीं दिया। मैंने वेट किया कि देखती हूँ पहले उनकी साइड से क्या रिएक्शन आता है, उसके बाद मैं बात करूंगी। तो आज उनका वीडियो आया और उन्होंने रिएक्ट किया, तो उसी चीज को लेके आज हम लोग बात करेंगे। तो इसलिए आप वीडियो में बने रहना और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आधी अधूरी वीडियो देख के फिर आप कमेंट करने के लिए जाते हो तो समटाइम्स क्या होता है कि वीडियो में आगे कुछ और होता है और आप लोग कमेंट कुछ और कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का रिएक्शन करते हैं शुरू। सो बेसिकली आपने देखा होगा कि टीना बहुत टाइम से अपनी मम्मी के अपनी फैमिली व्लॉगिंग में नजर नहीं आ रही हैं। उन्होंने बीच में एक बहुत लंबा चौड़ा ब्रेक भी लिया, उसके बाद वो भी पिछले दो दिन से आंटी की, ललिता आंटी की वीडियो में नजर आ रही हैं। ठीक है, लेकिन जब जब टीना उनकी व्लॉगिंग में आती है तब तब उनके कमेंट सेक्शन पे आप लोगों के कमेंट देखना, वो कमेंट मैं यहाँ पे आप सबके लिए लगा भी दूंगी। जब मैंने वो कमेंट रीड करने शुरू करे ना, तो मुझे पर्सनली वो कमेंट इतने बुरे लगे कि मुझे लगा कि मुझे इस बात पे डिस्कशन जरूर करना चाहिए। शायद हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों को वो फैमिली नहीं पसंद हो, वो लोग नहीं पसंद हो, तो ठीक है, देखो ये अपनी अपनी खुद की चॉइस होती है। कोई हमें पसंद होता है, कोई हमें पसंद नहीं होता, लाइक्स एंड डिसलाइक हर बंदे की होती है। लेकिन जो कमेंट पर्सनल टारगेट करते हैं सामने वाले को, उनको हम मेंटल हैरेसमेंट भी कहते हैं। जी हाँ, अब आप सोचो कि मैंने इतने बड़े लफ्ज का इस्तेमाल कर दिया, क्योंकि लिटरली मैंने लोगों के इस तरीके के कमेंट देखे कि मुझे ना चाहते हुए भी ना इस वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि टीना को ना बहुत बुरी तरीके से लोग ट्रॉल करते हैं। कई बार ललिता आंटी ने इस बारे में वीडियो बनाई भी, अपने रिएक्शंस लोगों को दिखाए भी हैं। सो मेरा पर्सनली मानना यह है कि कभी भी किसी लड़की के वजन और वेट को लेके ना आप कभी भी कोई भी कमेंट पास मत करो, क्योंकि जब भी कोई इंसान वजन गेन करता है या फैट गेन करता है तो उसको सबसे पहले पता चल जाता है कि मेरा वजन बढ़ रहा है, और वो कहीं ना कहीं इस चीज पे वर्कआउट कर रहा होता है। लेकिन बार बार किसी के खाने पे कमेंट कर देना कि इतनी मोटी है तो आलू के पराठे क्यों मांग रही है, क्यों? जो इंसान मोटा होता है क्या उसको मन नहीं करता खाना खाने का? क्या वो कोई अपनी पसंद की चीजें नहीं खा सकता? और बहुत से लोगों के ऐसे भी कमेंट आए थे कि इतनी बड़ी हो गई है, किचन का खुद काम नहीं कर सकती, अपनी मम्मी से करवा रही है। तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई? किसने ये चीजें लिखी है कि लड़कियां सिर्फ किचन का ही काम कर सकती है? कहाँ लिखा है ये? मुझे समझ में नहीं आता कि लड़कियों की कैटेगरी को हमेशा किचन से क्यों मिक्स कर दिया जाता है। जो लड़कियां किचन का काम नहीं करती हैं, जो लड़कियां नहीं रोटी पकाती, नहीं खाना बनाती, तो क्या वो लड़कियां अच्छी नहीं होती? क्या वो लड़कियां संस्कारी नहीं होती? कौन सी डिक्शनरी में लड़कियों को इस तरीके से डेफिनेशन दी गई है कि लड़कियों का काम सिर्फ किचन तक होता है? हम भी शादी से पहले कुछ काम नहीं करते थे, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने भी हमें पढ़ाया, उसके बाद हमने जॉब किया, जॉब करने के बाद जब हमारी शादी होगी तो शादी के बाद एक अलग लाइफ स्टार्ट हो जाती है। अब उस लाइफ को आपको किस तरीके से बनाना है, टोटली आपके पेरेंट्स, आपके हस्बैंड और आपकी ससुराल की फैमिली पर डिपेंड होता है। कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं, उनका मेन फोकस अपने करियर पे होता है तो वो जॉब करते हैं। बहुत से लोग अपनी बेटियों से नहीं काम करवाते, क्योंकि हर किसी लड़की का इंटरेस्ट लेवल अलग अलग होता है। मान लो कोई लड़की कुकिंग के काम में अच्छी नहीं है तो वो बाहर के काम में अच्छी है, कोई लड़की अपनी जॉब में अच्छी है, कोई प्रोफेशनल लाइफ में अच्छी है। तो हर किसी इंसान को सिर्फ किचन से जज कर लेना, खासकर लड़कियों को, मैं इस चीज को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि टाइम के साथ साथ हर लड़की ये सब चीजें सीख जाती है। हमें भी पहले किचन का कोई काम नहीं आता था, क्योंकि मम्मी सब कुछ देखती थी, पेरेंट्स ने हमेशा से ये बोला कि बेटा आप लोग पढ़ाई पे फोकस करो, इससे अपना करियर बनाओ, तो हमने वही किया। हमारी शादी भी आज हमें सब कुछ बनाना आता है। तो तजुर्बा और अनुभव और रिस्पॉन्सिबिलिटी इंसान को टाइम के साथ साथ सब कुछ सिखा देती है। वो अभी अनमैरिड लड़की है, अपनी मम्मी पापा के राज में है, अपनी मम्मी से डिमांड कर सकती है, क्योंकि वो माँ है। अब माँ को बच्चे को खिलाने में ना बहुत खुशी मिलती है, चाहे वो माँ कितनी भी बूढ़ी हो जाए, उनकी उम्र कितनी भी बूढ़ी हो जाए। आप यकीन मानिए कि मेरी जो
ग्रैंडमा है, मतलब मेरे हस्बैंड की ग्रैंडमा है, वो आज भी अपने पोतों को अपने हाथ से खिलाने के लिए खुश होती हैं, जबकि हम मना करते हैं कि आप इतने ओल्ड हो गए हो, आपसे नहीं होगा, लेकिन नहीं, उनको खुशी मिलती है अपने हाथ से बना हुआ अपने बच्चों को खिलाने में। ऐसा नहीं है कि मुझे इस फैमिली से कुछ ज्यादा ही लगाव है या मुझे ये बहुत प्यारे लगते हैं। मेरे लिए हर एक व्लॉगर एक न्यूट्रल व्लॉगर है, जिनको ना मैं पसंद करती हूँ ना मैं नापसंद करती हूँ। मैं सिर्फ व्लॉग्स को देख के रिएक्शन देती हूँ। समटाइम्स रिएक्शन तीखे होते हैं, समटाइम्स टफ होते हैं, समटाइम्स कोल्ड होते हैं, समटाइम्स कॉमेडी होती है। तो एज पर द व्लॉगिंग, लोगों ने मतलब कहीं की बात कहीं पे फिट कर देना, अगर एक इंसान परिवार में गलत है, इसका मतलब ये नहीं होता कि उनकी गलतियों की सजा परिवार के हर सदस्य को मिली जाए। हम इस तरीके से नहीं, हमें पहले तो तुलना करनी चाहिए। ठीक है, हम एक बंदे को उनकी फैमिली में रॉन्ग मानते हैं, एक फैमिली को रॉन्ग मानते हैं। आप लोगों के कमेंट्स की वजह से एक लड़की का मोरल, एक लड़की का कॉन्फिडेंस इतना डाउन हो गया कि उसको अपनी व्लॉगिंग तक छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि हर व्लॉग में, हर कमेंट में उसके कपड़ों को लेके, उसके हेल्थ को लेके, उसके मोटापे को लेके, बस इन्हीं चीजों को लेके, उसके जीजा ऐसी, उसकी दीदी ऐसी, उसकी बहन ऐसी, उसका परिवार ऐसा, सिर्फ इसी चीजों को लेके उस लड़की पे बात की जाती थी। वो लड़की अपनी व्लॉगिंग में क्या दिखा रही है, वो लड़की के अंदर क्या कैपेबिलिटी है, इस पे किसी ने गौर ही नहीं किया। देखो, बहन और बेटियां सबकी सांझी होती हैं। मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं मानती कि आप किसी भी कुंवारी लड़की को किसी भी तरीके से टारगेट करें, अंटिल अनलेस उसकी कोई गलती ना हो। टीना की इस पूरे मामले में, पूरी फैमिली में कोई गलती नहीं है। वो अपने हर रिश्ते को निभाने की कोशिश कर रही है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम अपने खून के रिश्तों से कन्नी काट लें या उनसे रिश्ता तोड़ लें। लेकिन उस लड़की का कॉन्फिडेंस मैंने गिरते हुए देखा है। तो क्या हो गया अगर उसका वेट बढ़ गया? वेट बढ़ने के, आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हो, इस चीज को अच्छे से समझते हो कि वेट गेन करने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। मुझे शायद मेडिकल टर्म में आप लोगों को ये समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज की डेट में सब जानते हैं। हार्मोनल चेंज होते हैं, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी लड़कियों का वेट बढ़ रहा है। इसमें किसी भी पर्टिकुलर बंदे की कोई गलती नहीं है। कोई नहीं चाहता कि उसका वजन इतना ज्यादा बढ़ जाए कि वो अपनी पसंद के कपड़े ना पहन पाए, अपनी पसंद का खाना ना खा पाए। लेकिन जब चीजें हो जाती हैं तो वो क्या कर सकता है, वो कोशिश ही कर सकता है ना। लेकिन ये भी इन लोगों की तारीफ की बात कहूंगी मैं, देखो जो अच्छा है मैं उसके लिए अच्छा जरूर बोलती हूँ, कि जब भी इनके पास कोई ऐसे कमेंट आते हैं ना, आंटी बहुत पॉजिटिवली लेती है। शायद इसीलिए ललिता आंटी पॉजिटिवली लेती है कि अगर वो नहीं हंसेंगी ना तो ये चीजें उनकी बेटी को इम्पैक्ट करेगी। तो उनकी मम्मी जब भी नेगेटिव कमेंट आते हैं ना, हमेशा उन्हें हंसते हुए बोलती है, फनी वे में ले जाती, ताकि वो कमेंट्स उसको हिट ना करें, टीना को बुरा ना लगे वो कमेंट लोगों के सुन के। ललिता आंटी नौटंकी करती है, ड्रामा करती है, ओवर एक्टिंग करती है, कोशिश करती है व्लॉगिंग करने की, लेकिन हर व्लॉगिंग में समझ में आ जाता है कि अब ओवर हो गया है। तो इस चीज पे बात कर लो कि वो करती है ओवर एक्टिंग, क्या कर सकते हैं, कोशिश करती है वो कि सब चीजें नेचुरल लगे, पर उनको या तो उनको हंसी आ जाती है या उनके एक्सेस में ओवर एक्टिंग हो जाती है कि ऑडियंस कहती है कि भैया बस कर दो। पर कर रही है ना कोशिश यार, कोशिश करने में कोई बुराई नहीं होती और कोशिश करने की, काम करने की कोई उम्र भी नहीं होती। तो अपनी उम्र के हिसाब से वो ट्राई कर रही हैं। उन्होंने कभी शायद पहले कैमरा नहीं पकड़ा था, लेकिन अब उनका कॉन्फिडेंस देखो कि वो बनाती हैं। चाहे पब्लिक उन पे हंस रही है, उनको बुड्ढी बोल रही है, उनको कुछ भी बोल रही है, लेकिन वो फिर भी बनाती हैं, आप लोगों को एंटरटेन करने की कोशिश करती हैं। कम से कम आप लोगों को हंसी तो आती है उनकी वीडियोस देख के। तो ये था मेरा आज का एक रिएक्शन आप सबके लिए। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।